बॉलीवुड इंडस्ट्री के दबंग यानी सलमान खान आज 57 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर माने जाते हैं। भाईजान का नाम उन सेलेब्स की फहरिस्त में लिया जाता है जिनके पास स्टारडम से लेकर फैंस तक का ढेर सारा प्यार है। सलमान के चाहने वालों को उनकी शादी न होने का गम हमेशा रहता है। सब जानते हैं कि इस एक्टर की जिंदगी में कई लड़कियां आईं, लेकिन उनका कोई भी रिश्ता शादी के बंधन तक नहीं पहुंच पाया। इसी वजह से सलमान खान की शादी इंडस्ट्री का सबसे हॉट टॉपिक बना रहता है, जिससे जुड़े सवाल अक्सर सलमान से पूछे जाते हैं और एक्टर हमेशा ही इन सवालों को मजाक में टाल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सलमान खान ने एक बार उस एक्ट्रेस के नाम का खुलासा किया था जिसकी वजह से सलमान खान आज तक सिंगल है। बता दें कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय, सोमी अली, कैटरीना कैफ और संगीता बिजलानी को डेट किया है। इसके अलावा भी कई एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ता रहा है, लेकिन ऐश्वर्या और सलमान का रिलेशन काफी सुर्खियों में रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पावर कपल्स थे। फैंस को भी दोनों का रिश्ता काफी पसंद था, लेकिन 3 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। फैंस को लगता है कि सलमान ने ऐश्वर्या से अलग होने के बाद शादी न करने की ठानी, लेकिन ऐसा सच नहीं है। बताया जाता है कि बिग बॉस के एक शो के दौरान खुद सलमान खान ने ये बात कबूल की थी कि बॉलीवुड की सदाबहार हसीना रेखा को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं और उनके बहुत बड़े दीवाने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने कहा था कि उन्होंने रेखा की वजह से अब तक शादी नहीं की। रेखा ने कभी किसी इंटरव्यू में बताया था कि वो जहां भी जाती थी सलमान उनको फॉलो करते थे। ये तब की बात है जब सलमान और रेखा एक दूसरे के पड़ोसी थे। रेखा के लिए भाईजान की दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो रेखा को देखने के लिए योगा क्लास तक जाते थे। जब रेखा को सलमान खान के कमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं भी शायद इसी वजह से शादीशुदा नहीं हूँ। बहरहाल ये बात कितनी सच है ये तो खुद भाईजान और रेखा ही बता सकते हैं। उधर वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान ने हाल ही में किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग खत्म की है। ये फिल्म साल 2023 की ईद पर रिलीज होगी। इसके अलावा सलमान की टाइगर 3 साल 2023 की दिवाली पर रिलीज की जानी है। दोनों ही फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल सलमान और रेखा की इस अनटोल्ड लव स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।